कि काले पानी की जब भी आपको दवा डालनी है तो उसके अंदर अपनी जो ड्रॉप है, ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तो इसके अंदर जो छेद करेंगे अपन वो इसी से करेंगे, इसके अंदर जो एक होता है ना, हाँ, तो उससे करके अपने को ऐसे टाइट करना है, ये छेद हो गया। उसके बाद जब अपन इसको यूज़ करेंगे तो आपको ये ऊपर से दबाना है, बस साइड से नहीं दबानी है ड्रॉप। साइड से दबाएंगे तो ज़्यादा निकलेगी, ऊपर से दबाएंगे तो कंट्रोल रहेगा, क्योंकि ये महंगी आती है, एक एक बूंद 1.5 से 2 रुपये की है, महंगी दवाइयाँ हैं ना, तो अपने को ये ध्यान रखना है कैसे यूज़ होगी। जब दवा डालेंगे, आँख खोलिए माता जी, ऊपर देखिए, नीचे की पलक जो है इसको खींचना है, ये एक टपका डालना है ना, ये डाल दिया, आँख बंद कर लीजिए, दूसरी आँख खोलिए, ऊपर देखिए, हाँ हाँ, एक टपका डालना है, आँख बंद कर लीजिए। अब काले पानी की दवा डालने के बाद आँखें बंद करने के साथ साथ अगर आप खुद इस तरह से अपने आँखों हाथों से खुद ही अगर इसको, नहीं नहीं अलग अलग उंगली रखिए, तो जोर नहीं लगाना है, हाँ यहाँ पे ऐसे दबा, यहाँ दबा के रखिए, बस बस दबा के रखना है, और आँखें बंद रखेंगे तो इससे क्या होगा, गले में नहीं जाएगा दवा का जरा भी हिस्सा, तो असर जो है 30% से सीधा 80% तक बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर वो दवा गले में जाती है तो वो एब्जॉर्ब होती है शरीर में, उसका कोई यूज़ नहीं है, अपनों को आँखों पे चाहिए, है ना। तो इसको आप दबा के रखें, और 2 मिनट बहुत होता है, और दूसरी दवा फिर 5 मिनट बाद डालें अगर डालनी पड़े तो, ये ध्यान रखना है, तो इससे असर बढ़ जाएगा काले पानी में दवा का, और प्रेशर भी जल्दी कम होगा।